हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट राउटिंग की, ठीक है। हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, हम रिएक्ट राउटर के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ऑन करेंगे, ठीक है, और इस पर हम npm install React राउटर डॉम @6, ये 6 वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी @6 नहीं लिखेंगे तब भी वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो अब जो है कि हम चलते हैं आगे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप एंटर कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा अब में, ठीक है, और कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसे देखो हमें कॉल कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स पे या ऐप पे, दोनों पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। और हाँ, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो यही यूआई को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ ज़्यादा और कुछ ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे ये जो हमारा फोन, ये जो आइकन्स हैं, इसके साइज में कलर दिया है और साइज बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेनू वही है, थोड़ा सा मैंने स्टाइलिंग की है, ठीक है। क्लास ऐड करके थोड़ा सा डिज़ाइन को लुक दे दिया, ठीक है। तो आप लोग वही वाली थीम हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से मिनी प्रोजेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट ब्राउजर राउटर, ठीक है, एक डोम, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करना, ऐप से पहले लगा देना यहाँ पे, ठीक है। इसे बंद किया, ठीक है, ये यहाँ बंद किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा। इसे करना और ऐप के नीचे यहाँ पे क्लोज कर देना, ठीक है। इसका काम खत्म यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐप पे। ऐप पे भी मैंने इसको कॉल किया, लेकिन यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्राउजर राउटर की जगह हमारा होगा राउट्स, राउट्स राउट, ठीक है। अब इसको देखो हम कैसे कॉल करेंगे। अब देखिए, हमें हेडर और फुटर को एक ही में रखना है, मतलब कि कॉमन रखना है। तो हम क्या करेंगे, राउटिंग हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है, इसके नीचे करेंगे, क्योंकि हमें कंपोनेंट को चेंज करना है और हेडर और फुटर को वहीं रखना है। मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया, तो यहाँ पे क्लोज भी होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कट किया, इसके नीचे लगा दिया फुटर, ठीक है, उनके बीच में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम राउट सेट करेंगे, राउट पाथ के लिए स्लैश यूज करेंगे, एलिमेंट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमारा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हम कंपोनेंट को उठाएंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होम पे आ गया। अब ऐसे ही हम और कंपोनेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अबाउट अस का, देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, ठीक है। अब इसको बंद किया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हाँ, हम ये पेज कॉल हो रहा है कि नहीं। पेज फॉर वेटिंग दे दी मैंने, वेलकम टू
अबाउट अस, ठीक है, और इसी के नीचे मैंने पैराग्राफ दिया, ये हो गया। अब इसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट अस, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को एक और कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का मैं यहाँ पे कॉल करूँगा क्या, इम्पोर्ट अबाउट अस, ठीक है, ये हमारा कॉल हो गया। यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है, जी एस लग गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको राउटर को, ठीक है, राउट को यहाँ पे आ गया हमारा क्या होगा अबाउट अस, और ये हमारा हो जाएगा कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम यहाँ पे डाल दीजिए कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट। ये देखिए हमारा कंपोनेंट यहाँ पे सेट हो गया। तो हम इसको अब लिंक करेंगे कि क्लिक करने के बाद हमारा वो पेज ओपन होना चाहिए, तो इसी को कॉपी कीजिए आप। अब चलो हेडर पे, ये हमारा हेडर, ठीक है, यहाँ पेस्ट करो और इन दोनों को हटाइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक, ठीक है, मैंने लगाया लिंक। अब जहाँ पे एच आर एफ है, जहाँ जैसे आइए देखिए यहाँ पे हमारा एल आई यूर एल आई के अंदर एंकर टैग लगा हुआ है, एंकर टैग को हम लिंक से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ ओपन हुआ लिंक, तो यहाँ क्लोज भी होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और लिंक के बाद हमारा क्या होगा, टू इज इक्वल टू स्लैश, होम पे हमारा स्लैश लाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ देखिए अबाउट अस पे ऑन हुआ क्लोज, ऑन हुआ क्लोज हुआ, टू है स्लैश अबाउट अस, ई यू आर एल पास हो गया, ठीक है, स्लैश। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अरे तो और भी है हमारे, फिर भी मैं लिंक करके देख चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक हटाइए, यहाँ पे हमारा सर्विसेस हो गया, यहाँ पे हमारा है प्रोडक्ट, यहाँ एक वो हटाइए, ठीक है, या लेकिन यहाँ पे ये चाहिए वो हटा दीजिएगा, ठीक है, इसकी नहीं तो एरर आएगी आई थिंक। इसको भी मैंने हटाया और ये चाहिए एक ही जगह मैंने लिंक को रिप्लेस किया, देखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, कहने का मतलब है इन दोनों को अभी के लिए हमें कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, तो अभी के लिए इनको हटा देते हैं ये दोनों को, क्या हुआ भाई यहाँ, अच्छा सॉरी, देखते हैं यहाँ पे मैंने टू नहीं लगाया, टू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पे भी टू लगाइए इज इक्वल टू क्या है स्लैश कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये हमारा सर्विसेस यहाँ पे हमने लगाया सर्विसेस, देखते हैं, ठीक है, तो आ गया, तो वहाँ पे वही गलती हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यूआरएल यहाँ पे बना लिया है। अब हम चलते हैं अबाउट अस पे, देखो हमने ऐप पे चलते हैं, ऐप पे देखिए हमने अबाउट अस का सेट किया हुआ है, ठीक है, देखते हैं, ये देखिए हम अबाउट अस पे आ गए, थोड़ा सा हम इसका यूआई सेट कर लेते हैं। अबाउट अस पे गए, यहाँ पे मैंने लिया ये मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या आएगा हमारा क्लास, हमेशा रो आता है, ये बात को ध्यान रखना। रो के बाद अब हमने क्या किया, डिव क्लास मैंने यहाँ पे लिया कोड एसएम 12, ठीक है। अब इन कंटेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया,
हम फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आ गया, थोड़ा सा हम इसमें एम्प्टी फोर दे दिया, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हम एक काम कर सकते हैं, हमारा कहाँ गया ये कंटेंट, थोड़ा मैं यहाँ कंटेंट डाल देता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, अबाउट अस पे ये है हमारा कंटेंट, देखते हैं अबाउट अस। ठीक है, ये कंटेंट मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पे। कॉन्टेक्ट पे क्या है, मैंने देखिए कंपोनेंट बनाया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट में, ये कॉल एस एम में यहाँ पे है, वही अबाउट जैसे ही है। यहाँ पे दो डी, मैंने दो कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ सिक्स सिक्स का दो कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक फॉर्म बन डिजाइन किया हुआ है और इधर कंटेंट आ रहा होगा, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने राउटिंग नहीं की है, इसका राउट सेट करना होगा। ठीक है, इसका राउट हम सेट कर दे रहे हैं पाथ में कॉन्टेक्ट अस, और इसका क्या है, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया, अब देखते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉन्टेक्ट पे ये हमारा डिजाइन आ गया। ठीक है, तो हमने लेफ्ट में कंटेंट लिया हुआ है, और यहाँ पे ये काम करते हैं, कॉन्टेक्ट पे जाके ये मैंने पी टैग को हटा दिया, दोनों बराबर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपने देख लिया हम रीक राउटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा हमारा, देखो सॉरी, प्रोडक्ट का तो हमारा कंपोनेंट नहीं, इसलिए वैसा आ गया कॉन्टेक्ट अबाउट अस। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, बस हमारा वाई जो चेंज हो जा रही है। अब हम चलते हैं, एक मिनट, एक और चीज़ देख लेते हैं, हम हेडर पे हम लोगो कॉल कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आएगा। ये देखिए इम्पो ऐसे भी लोगो कॉल कर सकते हैं और इमेज एसआरसी के अंदर भी कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये देखिए हमारा लोगो है एसआरसी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे ये है लोगो डॉट डी लोगो पीएनजी फाइल है। ठीक है, और मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ../.\t इसका पाथ देखो, ये हमारा हेडर जो है, ये हेडर हमारा कंपोनेंट के अंदर कहाँ है, कंपोनेंट के अंदर कॉमन के अंदर है, तो दो बार हमारा डैश लग गया। ठीक है, इस लोगो को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेवॉप्स डेवलपर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा लोगो लग जाए। ठीक है, इसको मैंने हटाया, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे लिखा SRC और इसको मैंने क्लोज किया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे SRC हम लोगों को ऐसे कॉल करेंगे, अभी हमारा एक तरीके से कंपोनेंट की तरह हो गया। ठीक है, ये मैंने लोगो यहाँ से कॉल कर लिया, देखते हैं आया कि नहीं, ये देखिए हमारा लोगो आ गया। ठीक है, अब लोगो में मैं काम करता हूँ, हाइट शेयर कर देता हूँ, हाइट कितना, इतना 50 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। अब और हम क्या कर सकते हैं, इस पर देखिए हमारा अभी है सारा। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको लिंक कर देते हैं किससे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिंक यहाँ पे कर देते हैं /2 ठीक है, और इसी साथ ही आपको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारा लग गया लोगो, होम पे आ गए, से आ गए कॉन्टेक्ट अस पे आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये है रिएक्ट राउटिंग का हम कैसे यूज करेंगे अपने, एक तरीके से मिनी प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ
हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ये हमारा कॉन्टेक्ट है, अब हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे और ये हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे सबमिट पे, ठीक है। और ये थ्रू एपीआई हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ करके इस डेटा को हम पोस्ट करेंगे एपीआई और डेटाबेस में सेव करेंगे एपीआई बना के, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा एक तरीके से एक प्रोजेक्ट में जितना कुछ ज़रूरत पड़ता है डेवलपर को, हम उतना उतना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।